नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं फाइनली कह सकता हूँ कि एक ऐसा स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है जो कि अभी करेंटली उस प्राइस रेंज में जितने सारे चाइनीज ब्रांड या फिर बाहर के देश का कोई भी ब्रांड का स्मार्टफोन अवेलेबल है उससे डेफिनेटली बहुत गुना बेटर एक स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है। और इस स्मार्टफोन का नाम है लाभा ब्लेज 5G जो कि अमेजोन पे लॉन्च हुआ है। जैसे कि मैंने आपको एक हफ्ते पहले कहा था, इसका प्राइस होगा 10,000 और एग्जैक्टली 9999 रुपीज पे लॉन्च हुआ है। तो इस वीडियो में आपको इस लाभा ब्लेज 5G के बारे में सब कुछ बताऊंगा, ये भी बताऊंगा कि जिस प्राइस पॉइंट में अवेलेबल है उस प्राइस पॉइंट में बाकी किसी भी चाइनीज ब्रांड के स्मार्टफोन के मुकाबले क्यों सबसे बेस्ट है। और हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। आपको तो मालूम है कि मैं जनरली जैसे कोई नया स्मार्टफोन लॉन्च होता है तो मैं उसके साथ कंपैरिजन वीडियो बनाता हूं। तो आप मुझे जो ऑप्शन जरूर बताना कि इंडिया पे 9500 से लेके 10,500 रुपए के अंदर जितने भी पॉपुलर स्मार्टफोन है उसमें से इस लाभा ब्लेज 5G के साथ आप कौन से फोन का कंपैरिजन देखना चाहेंगे, इसके बारे में मुझे कमेंट करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहले तो बात करेंगे स्मार्टफोन के डिजाइन के बारे में। तो जैसे कि देख सकते हैं इसके पीछे आपको ऐसे ग्लॉसी टाइप का डिजाइन आपको मिलेगा। अभी इसके पीछे का जो बैक कवर, एक ग्लास मिलेगा या फिर प्लास्टिक मिलेगा, इसके बारे में कोई प्रॉपर इंफॉर्मेशन मुझे तो अभी तक नहीं मिला, लेकिन जितना मुझे लग रहा है ग्लॉसी टाइप का कोई एक मटेरियल आपको मिलेगा। तो इस स्मार्टफोन का थिकनेस है 8.9 मिलीमीटर और इसका वेट है 207 ग्राम। और ये जो फोन आपको टोटल दो कलर पे मिलेगा, ग्लास ब्लू और ग्लास ग्रीन, टोटल दो कलर पे आपको मिलेगा। तो डिस्प्ले के मामले में आपको इसे मिलेगा 6.5 इंच HD प्लस 90Hz IPS LCD डिस्प्ले, उसके साथ 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट, 500 nits का ब्राइटनेस, 89% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, 20:9 एस्पेक्ट रेशियो। और इसके डिस्प्ले में आपको मिलेगा वाटर ड्रॉप नॉच, मतलब इसका जो डिस्प्ले प्राइस पॉइंट की सबसे एवरेज क्वालिटी का डिस्प्ले। लेकिन प्रोसेसर की अगर बात करें, यही एक्चुअली इसका सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट है, क्योंकि इसमें आपको मिलेगा डायमेंसिटी 700 5G प्रोसेसर जो कि 7 नैनोमीटर आर्किटेक्चर पर बना, और इसका एंटूटू स्कोर है 340,000 के आसपास। और 10,000 के आसपास ऐसा कोई भी स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है जिसमें आपको इतना पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर आपको मिलेगा। कैमरे में होगा 52 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी। और ये देख के मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि ब्रांड ने सामने से आपको ये चीज कहा कि इसके रियर कैमरे के साथ आपको EIS का ऑप्शन आपको मिलेगा, जो कि मुझे तो नहीं लगता कि 12,000 या फिर 13,000 रुपए तक ऐसा कोई भी ब्रांड अवेलेबल है जो कि आपको कैमरा पे EIS का ऑप्शन आपको देता है। ये जो स्मार्टफोन बस एक ही वेरिएंट पे मिलेगा जो कि 4GB रैम 128GB मेमोरी। इसका रैम का क्वालिटी है LPDDR4X, मेमोरी का क्वालिटी है UFS 2.2, और इसके साथ आपको मिलेगा 3GB तक का वर्चुअल रैम। और अगर आप सोच रहे कि इसके साथ आपको SD कार्ड का स्लॉट मिलेगा कि नहीं, जी हाँ, इसके साथ आपको SD कार्ड का स्लॉट भी मिलेगा। बैटरी में होगा 5000mAh बैटरी, 10W का चार्जर और कनेक्टिविटी USB Type-C। इसके बाद में से कुछ बाकी फीचर की अगर बात करते आपको इसे मिलेगा एंड्रॉयड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm जैक, सिंगल स्पीकर, और जो सबसे मेन चीज इसमें आपको 12 5G बैंड देखने को मिलेगा। और इसका प्राइस कितना है, एग्जैक्टली 10,000 रुपए। तो अभी हर वीडियो को जैसे इस जगह हम जैसे डिस्कस करेंगे कि क्या ये जो फोन प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट डिवाइस है या फिर नहीं। ऑब्वियसली सबसे बेस्ट डिवाइस है, क्योंकि देखिए अगर आप अभी 10,000 रुपए पे देखेंगे आपको क्या मिलेगा, लगभग 100% स्मार्टफोन में आपको मिलेगा IPS LCD डिस्प्ले, ज्यादातर फोन आपको देगा HD प्लस डिस्प्ले, कुछ फोन आपको फुल HD प्लस डिस्प्ले प्रोवाइड करेगा, मतलब उस मामले में ये जो डिस्प्ले ठीक ठाक है। प्रोसेसर डायमेंसिटी 700, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, इससे बेटर प्रोसेसर प्राइस पॉइंट में अवेलेबल नहीं है। बाकी ब्रांड आपको दे रहा है 50 मेगापिक्सल DR कैमरा, मतलब जैसा कैमरा सेटअप होता है एग्जैक्टली सेम चीज इसमें आपको मिलेगा, लेकिन बाकी ब्रांड आपको EIS का ऑप्शन नहीं देगा, इसमें आपको EIS का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके अलावा अगर आप 10,000 के प्राइस पॉइंट में देखेंगे, लगभग सभी ब्रांड आपको 64GB स्टोरेज देगा, लेकिन इसमें आपको मिलेगा 120GB का स्टोरेज। और एक चीज, 10,000 के प्राइस पॉइंट में अभी करेंटली Helio G80, G85, G88 ये सब प्रोसेसर आपको ज्यादा मिलेगा, और वो सब प्रोसेसर में हमें सिर्फ EMMC 5.1 का ही सपोर्ट आपको मिलेगा। और क्योंकि डायमेंसिटी 700 में आपको UFS स्टोरेज का सपोर्ट मिलता है, तो इसीलिए इसके 128GB जो स्टोरेज है एक्चुअली UFS वाला स्टोरेज है। तो मतलब वीडियो का आकर मैं बस आपको एक चीज कहना चाहूंगा, लाभा वालों ने ये जो मोबाइल लॉन्च किया है डेफिनेटली बहुत ही ज्यादा बढ़िया स्मार्टफोन है। अगर इसका प्राइस 11,000 भी होता तो भी मैं कहता कि बहुत ही बढ़िया एक चॉइस है। और 10,000 पे लॉन्च हुआ, मतलब 10,000 के हिसाब से टोटली अल्टीमेट वाला स्मार्टफोन है। पिछले दिन जब मैं संडे पे लाइव स्ट्रीम कर रहा था तो
आप में से कुछ लोगों ने मुझे पूछा था कि आपको 10,000 के अंदर के सबसे बढ़िया स्मार्टफोन लेना है, तो चलिए 10,000 के अंदर का सबसे बढ़िया स्मार्टफोन ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। अगर आप इस प्राइस पॉइंट में कोई बेस्ट फोन लेना चाहते तो लावा ब्लेज 5G से बेटर स्मार्टफोन और कोई भी पॉसिबल नहीं। और जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था, इसके साथ आप कौन से स्मार्टफोन का कॉम्पेरिजन देखना चाहते मुझे कॉमेंट में जरूर बताना। तो मिलता अगले वीडियो पे, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर, थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।